हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंटी ग्रुप में। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, आपने जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में जो बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा उस पर आप क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो होंगी वो सबसे पहले आपको पहुँच जाएंगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो यूपी पुलिस के जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें कुछ गलतियों की वजह से ये फॉर्म गलत हो सकते हैं आपके, और आपकी फ़ीस भी कट जाएगी और आपका फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम उसकी जानकारी करते हैं कि उसमें ऐसी क्या गलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में दोस्तों ये ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद हम फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद में यहाँ पे हम अपना जो कंट्री है उसको चूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसी हम जो भी हमारी जो फॉर्मेलिटी है, जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो डालते जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे कॉलम आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जिस किसी ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जो ही भर रहे हैं उनके लिए खास कर ये बात है कि इसमें जो आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी को एक ही रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को दूसरे रजिस्ट्रेशन में डाल दिया तो आपकी फ़ीस कट जाएगी और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही फार्म में काम करती है, दूसरे फार्म में काम नहीं करेगी। बाद में आपके फॉर्म भरते समय एरर आ जाएगा और वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपकी फ़ीस भी बेकार हो जाएगी और वो फ़ीस आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही यही उम्मीद है कि आप दोस्तों फॉर्म को सही भरें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक फॉर्म में एक ही डालें। अगर दूसरा आपको फॉर्म भरना है तो दूसरा नंबर उसमें डालें और दूसरी ईमेल आईडी बना करके डालें, जिससे कि आपका फॉर्म कभी गलत ना हो। तो दोस्तों, इसी जानकारी को मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।